हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टाई बार के ऊपर और उसके डिज़ाइन के ऊपर। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाई बार होती क्या है, फिर उसके बाद डिज़ाइन के ऊपर चलते हैं। तो जब हमने एक स्लैब बनाई, यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट हो गया और यहाँ पे हमने एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड की। हमने लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड की तो जब इस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट को ये टाई करके कौन रखेगा? टाई बार। और ये टेंसाइल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट काम कर रहा होगा, ठीक है? ये इस तरीके से काम कर रहा होगा, जिस तरीके से अभी हम डिजाइनिंग के लिए 1 मीटर का कंसिडरेशन कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर इसको हम एक डायग्राम के बेसिस पर समझें, ये कुछ इस तरीके की टाई बार है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहे होंगे आपके, ठीक है? ये आपकी टाई बार्स है, क्लियर है? तो जब हम टाई बार की बात करें, तो टाई बार हम यहाँ पे टाई अप करने के लिए देते हैं। टाई बार लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे आप प्रोवाइड कराते हो। अच्छा, ये इसलिए डिजाइन नहीं की जाती है कि ये लोड ट्रांसफर डिवाइस की तरह एक्ट कर सके, बट ये इंश्योर करती हैं कि ये एडजेसेंट स्लैब के बीच में एक फर्म बॉन्ड डेवलप कर सके, फर्म बॉन्ड डेवलप कर सके, ठीक है? साथ ही साथ टाई बार को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो विथस्टैंड कर सके टेंसाइल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट में, ठीक है? जो मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स होता है टाई बार के अंदर, वो इक्वल होता है या फिर इक्वल करते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स के, ताकि ताकि यहाँ पे कोई भी सॉइल की सबग्रेड में मूवमेंट ना हो सके, ठीक है? या फिर हमें उतना टेंसाइल स्ट्रेसेस को इक्वेट करना पड़ता है उस फ्रिक्शनल फोर्स से, ताकि अगर उस फ्रिक्शनल फोर्स से अगर वो टेंसाइल फोर्स ओवरकम हो गया, तो जो बॉटम ऑफ द एडजॉइनिंग पेवमेंट स्लैब है या फिर सॉइल सबग्रेड है, वहां पे क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए इसलिए फॉर द डिजाइन ऑफ टाई बार्स, जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स का अमाउंट है, वो कंसीडर किया जाता है फ्रॉम द जॉइंट लोकेशन टू द सब्सिक्वेंट जॉइंट और फ्री एज पे, ठीक है? तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। हालांकि हालांकि इसके अंदर बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हमारा अगर 1 मीटर लेंथ ऑफ जॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पे टेंशन टेकन बाय द बार, एक बार कितना टेंशन लेगा, तो वो कितना लेगा? As into sigma s। अगर मैं 1 मीटर ले आऊं, तो ये एक बार कितना टेंशन लेगा? As into sigma s, ठीक है? अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं 1 मीटर लेंथ ऑफ द जॉइंट की, तो वो कितना होगा? डब्ल्यू बी इंटू 1 मीटर इंटू एच बाय 100 इंटू एफ, ठीक है? अब ये एफ क्या होता है? ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, किसके किसके बीच में? सबग्रेड के और सीमेंट कंक्रीट के बीच में, जो सीमेंट कंक्रीट की स्लैब है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.5 होती है। एच की मैं बात करूं, तो एच क्या है? आपका थिकनेस ऑफ पेवमेंट है, जो कि सेंटीमीटर में होता है। बी आपका क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट जॉइंट्स और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, एंड फ्री एज ऑफ द पेवमेंट स्लैब, ठीक है? डब्ल्यू की बात करेंगे, तो ये डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट है किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, 2400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको ली जाती है। एस आपका एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन फॉर्म ऑफ टायर रॉड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिग्मा एस आपका क्या है बेटा? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस है स्टील की, ठीक है? जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो मुझे वहां से क्या निकल के आता है, इसको हम अपने हिसाब से लिखे, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी एच एफ अपॉन 100 सिग्मा एस। और ये एस अभी मैं क्या बोला? एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर इन फॉर्म ऑफ टायर रॉड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? इसके साथ साथ हमें क्या होता है कि हमें अडॉप्ट करना होता है एक सुटेबल डायमीटर ऑफ टायर रॉड,
ठीक है, अगर हमने एक अडॉप्ट कर लिया, एक सुटेबल डायमीटर कर लिया, तो उसके साथ साथ हमें स्पेसिंग ऑफ बार भी कंप्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके साथ साथ हमें स्पेसिंग ऑफ बार भी कंप्यूट करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें एक इसकी लेंथ कितनी एम्बेडेड है, ये जो टाई बार की कितनी लेंथ होनी चाहिए एक पर्टिकुलर स्लैब से दूसरे में, इसको भी हमें जानना जरूरी है। और ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि ये जो बॉन्ड स्ट्रेसेस है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर टाई रॉड की, वो उसके लेंथ पे ही डिपेंड करती है। तो ये कैसे इक्वेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम एक एरिया ले लेंगे, स्ट्रेस सिग्मा एस, वही परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये हाफ ऑफ में ही यूज हो रही है, हाफ ही अंदर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टायर रॉड अपॉन 2 इनटू पाई डी सर्कुलर है इनटू सिग्मा बी। तो यहां से जो आपका एल टी की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, एल टी इज इक्वल टू डी सिग्मा एस अपॉन 2 सिग्मा बी। तो यहां से हमें लेंथ ऑफ टाई बार भी पता चल गई। लेंथ ऑफ टाई बार इजिली इवेल्युएट हो जाए अगर हमारे पास डी सिग्मा एस सिग्मा बी की वैल्यू है, तो अगर वो नोन है तो। अगर आईआरसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होता है प्लेन टाई बार का और डिफॉर्म बार का, वो लगभग 17.5 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और 24.6 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और साथ ही साथ जो अलायबल टेंसाइल स्ट्रेस होती है स्टील की, वो कंसिडर या फिर ली जाती है कितनी, 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आईआरसी ने रिकमेंड भी किया है फॉलोइंग डिटेल्स को, जो कि आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही होगी। ये जो टेबल है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसके अंदर थिकनेस ऑफ स्लैब है इन सेंटीमीटर, स्लैब की थिकनेस अलग अलग है, 15, 20, 25। अब उस थिकनेस के साइड में आपका डायमीटर ऑफ बार है, इन्हें अलग अलग डायमीटर ऑफ बार है अलग अलग थिकनेस ऑफ स्लैब के अंदर। फिर उसके बाद कितनी मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार होनी चाहिए वो भी अलग अलग दिया हुआ है, मिनिमम लेंथ इन केस ऑफ प्लेन बार भी दिया है और मिनिमम लेंथ इन केस ऑफ डिफॉर्म बार भी दिया है। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, वो आईआरसी ने सजेस्ट की है। तो इस तरीके से कुछ हम टाई बार को डिजाइन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जितने भी इनके नोमेनक्लेचर हैं, वर्ड हैं, ये भी आपको समझ में आए होंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।